दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवाओगे। काफी लोगों का जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि सबको अपना राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना ही है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो राशन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप यह चेक करोगे कि आपका राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं है, और अगर लिंक नहीं होगा तो कैसे उसे लिंक करोगे। तो सबको जानने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे आने के बाद दोस्तों आपको राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल पे जाना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आप एक अलग ही पेज पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी स्टेट दिखाई देंगे। आपको बता दूं राशन कार्ड के जो पोर्टल होते हैं हर एक स्टेट के अलग अलग फैसिलिटीज अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट दिए गए हैं, सभी स्टेट आप देख सकते हो दिया गया है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर ओके करते हैं। ओके करते ही दोस्तों आप उस स्टेट के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लिंक आधार विथ राशन कार्ड दिया गया है, लिंक राशन कार्ड विथ मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, चेक स्टेटस ऑन राशन कार्ड, वेरीफाई कर सकते हो राशन कार्ड को, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो न्यू राशन कार्ड के लिए। मतलब कि बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं, यहाँ से आप ई राशन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है दोस्तों लिंक आधार विथ राशन कार्ड। तो उसके लिए दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप नए पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है लिंक आधार विथ एक्टिव कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड एक्टिव है और आप अपने राशन कार्ड में आधार नंबर लिंक करना चाहते हो तो आपको ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लिंक आधार विद डीएक्टिवेटेड या फिर न्यूली अप्रूव्ड कार्ड, यानी कि अगर आपका नया नया अप्रूव्ड हुआ है या फिर डीएक्टिवेटेड राशन कार्ड तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक्टिव कार्ड का बता देता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे कैटेगरी चूज कर लेना है अपने राशन कार्ड का। उसके बाद यहां पे आपको अपने राशन कार्ड का कंप्लीट नंबर डाल देना है। सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे आपके जो राशन कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहीं पे आपको बताया जाएगा कि आपके राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आता है आधार इज लिंक्ड तो समझ लीजिए आपका आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक है। लेकिन अगर लिखा हुआ आता है आधार इज नॉट लिंक्ड तो कैसे आप लिंक करोगे। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर। तो सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, वही आधार नंबर डालना है जो आप अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है, नीचे आपको एक टर्म्स दिया गया है जिसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। वह ओटीपी जैसे ही आप डालोगे आपका जो राशन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सिंपल तरीका है। अगर आप अपने राशन कार्ड के साथ सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप ओटीपी डालोगे जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है ना, वही आपके राशन कार्ड के साथ भी मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डीएक्टिवेटेड राशन कार्ड या फिर न्यूली अप्रूव्ड राशन कार्ड के साथ कैसे आधार कार्ड लिंक करेंगे। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहां पे आ जाएगा आधार लिंकिंग विद डीएक्टिवेटेड राशन कार्ड थ्रू मोबाइल ओटीपी। मोबाइल ओटीपी के जरिए यहां पे लिंक होगा। तो सबसे पहले आप अपने राशन कार्ड का कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहां पे आप अपने राशन कार्ड का कंप्लीट नंबर डाल दो। नंबर डालने के बाद दोस्तों बस आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हो आपके राशन कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है, जैसे कि पहले स्टेप में मैंने आपको दिखाया ना, सेम वैसे ही आपके सामने सारी
डिटेल आ जाती है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आधार लिंकिंग, तो बस उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आसानी से एक ओटीपी डाल के अपने डीएक्टिवेटेड राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। ठीक है, मेरा राशन कार्ड एक्टिव है तो मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार आप कर सकते हो, काफी ईजी है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो ये दो तरीके थे दोस्तों जिसके जरिए आप अपने राशन कार्ड में अपना जो आधार कार्ड है उसे लिंक कर सकते हो, चाहे आपका राशन कार्ड एक्टिव हो या फिर डीएक्टिव हो, आसानी से दोस्तों आप लिंक कर सकते हो अपने राशन कार्ड में अपना आधार कार्ड एंड साथ ही साथ मोबाइल नंबर। दोनों ही चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जिसके जरिए आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अदर सर्विसेज की, तो यहाँ पे और भी जैसे कि अलग अलग सर्विस तो दी गई है, लेकिन अगर आप अपना ई राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको नीचे ग्रीन कलर में दिखेगा क्लिक टू डाउनलोड ई राशन कार्ड, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना राशन कार्ड का नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे दोस्तों आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए इस प्रकार का आपका राशन कार्ड रहेगा एंड सब कुछ गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे आप चाहे तो प्रिंट निकलवा के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना ई राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में अपना आधार कार्ड भी लिंक कर सकते हैं, ई राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि दोस्तों इस पोर्टल के जरिए आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये सब दोस्तों मैंने आपको वेस्ट बंगाल के पोर्टल से बताई है, हर एक स्टेट के अलग अलग पोर्टल होते हैं, तो आपको देख लेना है आपके स्टेट में कैसा पोर्टल दिया गया है। अगर दोस्तों इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवा पा रहे हो या फिर आपके स्टेट में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं चालू है, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास जाना होगा, जो कि तहसील में बैठते हैं, एंड वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे बस आपको राशन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी, ये दोनों आप दे दोगे तो आसानी से दोस्तों बिल्कुल फ्री में जो है आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा, एक भी रुपए का चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना ताकि सबके राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक हो सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।